अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी पी लेते हैं चाय। तो चाय 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 ना पिया तो फिर क्या जिया। तो अभी फिलहाल चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। बाजार से मुर्गियों के लिए पत्ते लेके आने वाले रहते हैं। कल जितने भी पत्ते थे सारे मैंने डाल दिए थे, तो अभी पत्ते कोई नहीं है, उन्हें नाश्ता भी करवाना है। तो अभी चाय पीते हैं, चलते हैं बाजार, पत्ते लेके आते हैं और उन्हें डालते हैं और नाश्ता करवाते हैं उन्हें। चले ये गए अभी बाजार से जाके मूलियों के पत्ते लेके आए। चले जी गाइस, आज तो मुर्गियों की मोची लगी हैं, तो पालक लेके आ गया। तो अभी काट के ना उन्हें मैं डाल देता हूँ। हेलो, आ गया हूँ मैं। येलो, अभी आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ। मैंने दिखाया तो वो काफी है चाय वाला, लेकिन खास कहाँ पर आया, मदीना शरीफ से या मक्का शरीफ से। अम्मी उमरा करने गए थे तो वहां से लेके आए थे, तो देखने में बिल्कुल ब्लैक है, कोई ग्राफिक्स नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ यही है ब्लैक और ये वाला। तो इसकी एक खास बात है, तो वो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो मदीना शरीफ से आया हुआ कप है, ये बहुत पुराना कप है, तकरीबन कोई 8 साल पुराना होगा तकरीबन मेरे ख्याल से। तो इधर ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने क्या दिखा देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होने देते हैं। तो पानी गर्म हो ही गया है, तो इसे डालते हैं कप में। अभी कप नोट कर लिए, ब्लैक कप है। अभी पानी इसके अंदर डालते हैं। तो ये डल गया गर्म पानी, और बस अभी देखते हैं क्या कारनामा, क्या करिश्मा नजर आता है यहाँ से। मुझे हल्का 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 से कुछ नज़र आना स्टार्ट हुआ है, तो आपको भी शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन देखें कब वाज़े होना स्टार्ट हो गया है। वाओ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लु अलैहि वाली व बारिक वसल्लम। ये चेक करें मदीना और मक्का, खाना काबा और जो है गुंबद खजरा, उसकी तस्वीर जो है यहाँ पे सामने आ गई है। क्या ही खूबसूरत टेक्नोलॉजी बनाई हुई है इन्होंने, तो कितना प्यारा कप है, चेक करें। इस कप की खासियत यही है कि ये कप जो है ना पहले ब्लैक होता है, तो फिर इसमें गर्म चाय या पानी वगैरह जो भी डालें तो ये तस्वीर जो है वो सामने आ जाती है, मक्का और जो मदीना यानी कि खाना काबा और गुंबद खजरा की। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई, मुझे नहीं पता ये किस तरह से काम करती है या क्या चीज़ है, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी दोबारा से कप जो है वो ब्लैक हो गया, ब्लैक गाइस। अभी चलते हैं गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने वाली, काफ़ी देर से पेंडिंग थी, तो ट्यूनिंग वगैरह इसकी करवा लेते हैं अपनी ये वाली कल्टस की। तो वैसे भी हमने कल इंशाल्लाह कहीं पे जाना है, तो लॉन्ग ट्रिप है, तो इंशाल्लाह आपको कल ही पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं और चलो ये ट्यूनिंग भी करवाते हैं, और इसका ये यार ये वाला मसला भी चेक करवाना है। तो अभी रिमोट चल रहा था तो अभी फिर बंद हो गया, तो अभी मैं चला लूँ, चल गया। इसका एक हारन भी चेक करवाना है, तो ये चेक करें, ऐसे लगता है जैसे गला नहीं खराब हुआ हारन का, तो इस तरह हारन हुआ। और इसकी लाइट जो है ना वो भी थोड़ी सी कम है, तो वो भी चेक करवाते हैं, अगर तो बल्ब नहीं डरे वो ठीक है, चेक करवाते हैं सारा कुछ। सामने जी लॉक वाली दुकान है, तो वहाँ पे गाड़ी का जो है लॉक चेक करवा लूँ जाके मैं, यहाँ इसका सल डलना सल डलवा लेता हूँ, तो नहीं तो लॉक चेक करवा लेते हैं। तो याद नहीं रहा, बस ठीक है, इधर भी ठीक है। चलो रिमोट का काम तो हुआ नहीं, रिमोट हमारा हुआ है ख़राब, तो अभी कोई और जुगा लगा के देखते हैं क्या बनता है फिर। चलो भाई वगैरह हो गई है, तो लाइट्स वगैरह भी मैंने सेट करवा ली है, हार
जो खराब था तो नया लगवाया, तो चेक करें। ये भी उसी तरह का लगवाया, वैसे वक्ती तौर पे लगवाया, बाद में नया लगवाएंगे, अभी फिलहाल वक्ती तौर पे ये वाला लगवा लिया। तो लाइट भी करवा ली है ठीक, तो अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, अब ब्रेक के साथ आता है तो ये नहीं समझ आ रही, जब ब्रेक लगाओ ना तब आ रहा है, तो ये दिखाना है जाके मैंने क्या मसला है, ये वाला एरर भी चेक करवा लिया, तो मैकेनिक कह रहा है कि बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा ना गाड़ी धोई थी उसकी वजह से आ रहा है, चले देख लेंगे कि बाद में। तो माशाल्लाह गाड़ी अभी ना काफ़ी ज़रा अच्छी चल रही है, तो हॉर्न जो है ना इसका सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, ये मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ मुझे ही सुन रहा है, बाहर किसी को नहीं सुन रहा पता है, सौंदा होना। अभी यहाँ से थोड़ा सा फल फ्रूट ले लेते हैं, सुबह इंशाल्लाह साथ लेके जाने हैं, तो यहाँ पे दुकान है, यहाँ से ले लेते हैं फल फ्रूट, इधर ही लगा लेते हैं गाड़ी, इशारा देता है फिर भी शहर तो निकलते, इशारा देता है, चलो लाओ जाके तुसे माइक मर, तो मैं चेक कर लो, मैं चेक कर लूँ गाड़ी के इशारे वगैरह चल रहे हैं। हाँ ये वाला चल रहा है, मैं समझा कि इशारा चलता नहीं इसका, तो ये भी चलता होगा, वैसे ही आवाम देखती नहीं इशारे वगैरह, ऐसे ही साइड से निकाल देती है, इशारा ऑन भी होता है फिर भी साइड से निकाल होती है, मुझे नहीं समझ आती, फिर घूड़ियाँ भी डालती है वहाँ, इशारा ऑन हो फिर भी साइड से निकाल के फिर घूड़ियाँ भी डालती है वहाँ, के भाई क्या बात है नज़र नहीं आता, तो मुझे ऐसा शक हो रहा था जैसे मेरे इशारे खराब हैं, इशारे वगैरह चलते हैं, बस आवाम का दिमाग खराब है। अब चलिए चलो जी पहुंच गए हैं घर, तो अभी देखते हैं मेरा हॉर्न जो है ना गाड़ी का पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, वैसे तो पहले तो दरवाजा खोल देते थे, अभी देखते हैं कोई आता कि नहीं आता, अभी पता चल जाएगा। चलो जी अबू जी ने दरवाजा खड़का दिया, नहीं तो पता चल जाना था आते हैं कि नहीं आते। मुनीब इधर था, कैसा रहा अभी मुझे सुबह जाने के लिए कपड़े वगैरह भी अपने रेडी करने हैं, तो सारा काम अभी रहता करने वाला, लेकिन ब्लॉग भी एडिट करना है, तो ब्लॉग एडिट करके तो फिर बाकी काम वगैरह करते हैं, पहले मैं ब्लॉग जो है अपना एडिट कर लूँ। चलिए जी गाइस फाइनली ये ब्लॉग एडिट हो चुका है, तो इस ब्लॉग को भी यही पे खत्म कर देते हैं, तो अभी जाके मैंने वैसे तैयारी शेयरें करनी है, तो रोटी छोटी भी खानी है, और बस इस ब्लॉग ये भी खत्म कर देते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा ब्लॉग था यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे मेरे चैनल, पता नहीं समझ नहीं आ रही यार, सब्सक्राइब क्या करो यार, तब तक देख रही अल्लाह।